रश्मिका मंदाना के डीप फेक वीडियो मामले में दिल्ली पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में दिल्ली पुलिस आयोग ने पुलिस को भी नोटिस भेजा था। 10 नवंबर यानी शुक्रवार को रश्मिका मंदाना के डीप फेक AI जनरेट वीडियो मामले में IPC 1860 की धारा 665 और 669 IT अधिनियम 2000 की धारा 67C और 67E के तहत दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल पुलिस थाने में एक FIR दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने मामले में टीम गठित करके इसकी जांच शुरू कर दी है। इससे पहले दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को नोटिस भेजकर आरोपियों के खिलाफ जांच की मांग की थी। इसके साथ ही उन्होंने रश्मिका को लेकर चिंता भी जाहिर की थी। महिला आयोग का कहना है कि उन्हें पता चला कि किसी ने एक्ट्रेस की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की है, उसका डीप फेक वीडियो की तरह इस्तेमाल किया है। ये मामला बेहद ही ज्यादा गंभीर है जिसे लेकर अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। कुछ समय पहले रश्मिका मंदाना का एक डीप फेक वीडियो खूब वायरल हो रहा था। असल में ये किसी और लड़की का वीडियो था जिसको एडिटिंग करके उसमें एक्ट्रेस का चेहरा लगा दिया गया था। वीडियो पर जब रश्मिका मंदाना की नजर पड़ी तो उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इसकी सच्चाई बताई और इस पर चिंता जाहिर की। अमिताभ बच्चन ने भी इस वीडियो को ट्विटर पर शेयर कर एक अलर्ट जारी किया था। उन्होंने इस तरह की फेक एडिटिंग के खिलाफ आवाज उठाते हुए कहा कि इस पर सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। बिग बी के अलावा बहुत से तमाम सेलेब ने भी इस पर चिंता व्यक्त की थी जिन्होंने फेक वीडियो को लेकर चिंता जाहिर की है। उसमें कई बड़ी हस्तियों के नाम शामिल हैं। रश्मिका मंदाना का चेहरा लगाकर जो वीडियो वायरल किया गया था, असल में वो वीडियो जारा पटेल नाम की एक लड़की का है। जारा इंडिया ब्रिटिश ओरिजिनल लड़की है। जारा के इंस्टाग्राम पर 415,000 फॉलोअर्स हैं। उन्होंने अपना ये वीडियो खुद ही टाइमलाइन पर डाला था जिसे एडिट करके रश्मिका मंदाना का फेस लगा दिया गया। जारा के ये वीडियो को 9 अक्टूबर को अपलोड किया गया था। डीप फेक वीडियो का शिकार सिर्फ रश्मिका मंदाना नहीं बल्कि सारा तेंदुलकर और कैटरीना कैफ भी हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी के जरिए कैटरीना कैफ का आपत्तिजनक वीडियो बनाया गया था। वहीं सारा तेंदुलकर की फोटो के साथ छेड़छाड़ करके उनके भाई की जगह शुभमन गिल का चेहरा एडिट कर उसको पोस्ट कर दिया गया था। डीप फेक के बढ़ते इस जाल में फंसे लोगों ने इस पर चिंता जाहिर करके एक्शन लेने की मांग की है। ऐसी ही कई जानकारियों के लिए बने रहिए इन खबर पर।